रुक करते हैं प्रदेश की ओर। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। इन गुप्त नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए। गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए पहुंचे। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। इन गुप्त नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए। गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां पर श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ किया और कन्या पूजन करके अपने घर परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि गुप्त नवरात्रों के दौरान तंत्र पूजा का विशेष महत्व होता है और इस मौके पर गुप्त नवरात्रों के समाप्ति के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के द्वारा माता श्री नैना देवी के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली गई और आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र सुख शांति के साथ संपन्न हो गए। अपार कृपा से आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रों का संपन्न आज विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हवन इत्यादि से संपन्न हो गया, ताकि आने वाले तीर्थयात्री को जगजननी माँ नैना देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रत्येक यात्री यहाँ से जगजननी माता नैना देवी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाए। ओम सर्वमय देवी सर्वम देवी मय जग अतो अहम विष्णु पाप तान मानी परमेश्वरी। नैना देवी दर्शन चाला బాగా జరిగింది, మేము యాత్ర చేసి వస్తున్నామండి। చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది।